हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया अक्षम्य अपराध, कहा गैंगस्टर राशुका के तहत कार्रवाई के साथ 7 साल की सजा और लगेगा 5 लाख का जुर्माना। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में कोरोना वायरस से बचाव की तैयारियों की समीक्षा, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के दिए निर्देश। प्रमुख सचिव के निर्देशन में खाद्य आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गेहूं खरीद की स्थिति का लिया जायजा, कहा छोटे किसानों के खेतों तक जाकर खरीदे गेहूं। मंडल आयुक्त ने किया टेलीमेडिसिन और सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में बैठक, कहा यदि 3 मई को लॉकडाउन हटाया जाता है तो जिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भीड़ न आने पाए इसके लिए टेलीमेडिसिन का करना होगा प्रयोग। एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में बने गोरखपुर मॉडल की पीएमओ और उत्तर प्रदेश शासन सहित कई राज्य सरकारों ने की सराहना, किया उसे लागू। लॉकडाउन का पालन कराने और शहर की स्थिति को जानने के लिए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने किया पैदल गश्त, बिना पास के अनावश्यक घूम रहे लोगों की गाड़ियों का किया गया चालान। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम वित्त व राजस्व तथा गेहूं खरीद के नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा जिले में गेहूं खरीद की स्थिति है बेहतर, आरएफसी के गोदामों पर गाड़ियों की लंबी लाइन की समस्या का जल्द होगा समाधान। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सहित अन्य राज्यों से मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए गोरखपुर प्रदेश पर स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट, सभी चेक पोस्टों पर एक एक डॉक्टरों की गई तैनाती। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैरिकेटिंग पर तैनात मजिस्ट्रेटों की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीएम योगी के आदेश पर लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों और जिलों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने की मुहिम है जारी, स्वास्थ्य परीक्षण के बाद किया जा रहा है क्वारंटाइन। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर महवा मंडी में व्यवस्था होगी और चुस्त दुरुस्त, मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यापारियों की सीसीटीवी कैमरे से होगी निगहबानी, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने दी जानकारी। महिला थाना पुलिस की टीम वन टांगिया गांव में पहुंचकर वितरित किया लंच पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर एवं अन्य जरूरी सामान, किया जागरूक। और बुधवार को भी महानगर की सभी सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, शहर में अनावश्यक घूम रहे लोगों को पुलिस ने एक एक मीटर की दूरी के घेरे में बैठाकर दी सजा, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील।